हेलो एवरीवन, आई एम लोकेश एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, मैं आप सभी को सॉरी बोलना चाहता हूं क्योंकि आज सुबह मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें मैंने आपको इन्फोसिस की मास हायरिंग के बारे में बताया था, पर वो मास हायरिंग ऑफिशियली अब अनाउंस्ड हुई है लिंक्डइन प्लेटफॉर्म पे। काफ़ी सारे जो हमारे मास रिक्रूटर्स है, टेक्निकल रिक्रूटर्स है जो कि इन्फोसिस में काम कर रहे हैं, उन्होंने अभी इस मास हायरिंग को पोस्ट किया है। इसमें 2019, 2020, 21, 22 बैच सभी एलिजिबल है। सिस्टम्स इंजीनियर की हायरिंग है, सैलरी 3.6 LP है। If you are from BE, BTECH, ME, MTECH, BSc, BCA, MSc, MCA, you are eligible for this job opportunity. If you are from so many branches like mechanical, civil, electrical, so you are eligible for this opportunity. So let's start the video. आप देख सकते हैं कि जो अभिषेक वर्मा सर है, ये मेंबर है इन्फोसिस में। डियर कनेक्शन, इन्फोसिस हायर कर रही है 2019, 2020, 21, 22 को सिस्टम्स इंजीनियर और ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव रोल के लिए। 10 दिन ही बचे हैं क्योंकि 16 जनवरी को लास्ट डेट है रजिस्टर की। इंटरेस्टेड कैंडिडेट अगर आप बीसी, बीएससी और बीसीएस है तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा के हैं आप तो यहां रजिस्टर कर सकते हैं, और इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स है तो यहां रजिस्टर कर सकते हैं। अब देखिए, कैंडिडेट शुड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द इन्फोसिस लिमिटेड और इन्फोसिस ग्रुप कंपनी सच एज इन्फोसिस बीपीएम सिलेक्शन प्रोसेस इन द लास्ट 6 मंथ। मैं आपको बता दूं, अगर आपने डीएससी और एसपी के लिए अप्लाई किया है और अभी तक अगर आपका टेस्ट नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें अप्लाई कर दीजिए। फिर अगर आपको डीएससी और एसपी का टेस्ट देना हो तो उसका दे दीजिएगा, सिस्टम इंजीनियर का देना हो तो उसका दे दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने यहाँ पर ये पोस्ट डाली है, बीई, बीटेक, एमई, एमटेक, एनी डिसिप्लिन में आप किसी भी ब्रांच से है, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, MSc, MSc, MCA, आप किसी भी ब्रांचेस से, यहाँ पर बहुत सारी ब्रांचेस मेंशन है, BCA, BSc, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। 3.6 सिस्टम्स इंजीनियर के लिए, 2.2 LP है ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव के लिए, ठीक है। तो आपको ये जो सर्वे फॉर्म है इसे फिल करना पड़ेगा, आई एग्री करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप डीएससी और एसपी के लिए एलिजिबल नहीं थे तो यहाँ पर आप अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पर आप अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल कीजिए, सारी डिटेल्स फिल कीजिए, इसमें आपकी जितनी भी सारी डिटेल्स है, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। अगर आपको इसकी हायरिंग की प्रोसेसिंग की वीडियो चाहिए, मींस जैसे कि कैसे प्रिपेयर करना है, इसी के साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें होती है, अगर आपको बिल्कुल वो वीडियो चाहिए कि नहीं हमें इसमें कैसे प्रिपेयर करना है, इसके लिए हमें कैसे अप्लाई करना है कंप्लीट वीडियो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो, आप अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है।